अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम अदनान। और कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मुझे न्यू देखने वाले हैं वो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक इट, डू लाइक द वीडियो। एंड तो आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसे ब्रांड के प्रोडक्ट्स रिव्यू करने जा रही हूँ जो कि बहुत बहुत फेमस हैं, बहुत ज़्यादा। हमारे एक फेमस सेलिब्रिटी होस्ट है, ब्रांड उनका ये ब्रांड है, जो कि ये स्टेटेड है कि भाई ये हलाल है, हर्बल है और ऑर्गेनिक है। तो क्योंकि आई एम आ ऑर्गेनिक एंड हर्बल प्रोडक्ट लवर, तो स्पेशली मैं जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं उन पर ज़रूर इन्वेस्ट करती हूँ कि जो हमारे अपने मुल्क के जो हैं लोग इजीली उस तक उन प्रोडक्ट के रिव्यूज़ पहुँचे और वो आराम से उन चीज़ों को ख़रीद सकें जो उनकी पहुँच में भी हो, रीज़नेबल भी हो और अच्छे भी हों। और या तो कुछ ऐसी भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिस पर मैं इन्वेस्ट कर चुकी होती हूँ बट वो बिल्कुल भी वर्थ बाइंग नहीं होते, बहुत बेकार होते हैं, तो मैं उनके रिव्यूज़ भी ज़रूर शेयर करती हूँ। ताकि नहीं, अगर आप मेरी तरह कोई बहुत सारी लेडीज अगर इस सोच में पड़ी हुई कि मैंने ये लेना है तो ये रिव्यू अगर वो देख लेंगे तो उनके पैसे बच जाएंगे। ओके, तो अब ये ब्रांड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है हेमानी। हेमानी प्रोडक्ट, हेमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स का रिव्यू मैं करने जा रही हूँ आप लोग सबके साथ में। अब या तो टीवी स्क्रीन में मैं आ जाऊँ या तो फिर ये सामान आ जाए, तो एडजस्ट करते हैं आज हम लोग। ठीक है, फिर अब ये वीडियो एंड तक देखिएगा, होपफुली आप लोग के लिए बहुत अच्छी साबित होगी, तो आप लोग के पैसे बच जाएंगे या अच्छी जगह पे इन्वेस्ट हो जाएंगे। इसको जानने के बाद, जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, प्लीज़ पूरी देखिएगा वीडियो। ओके, ठीक है। तो ये मैंने हेमानी के ऑफिशियल फेसबुक पेज से मैंने ये ऑर्डर किए थे प्रोडक्ट उनके। इनके जो काफ़ी सारे सामान हैं वो हर कॉस्मेटिक स्टोर पे और हर सुपरमार्केट पर और फेसबुक पर, दराज.com पर, सब जगह अवेलेबल है और क्वाइट अच्छी डील्स भी चल रही हैं इनकी। तो मैंने क्या क्या परचेज़ किया मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने जो इनका सबसे पहल किया था वो था ये डेलिकेट मैकेडामिया शैम्पू का, ये नाम सुनकर। और इसका जो बॉटल है वो ऑलमोस्ट 400 ml है और इसकी प्राइस जो है, इन सब ब्रांड की जो प्राइजेस हैं वो मैं नीचे वीडियो में साथ साथ शेयर कर दूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा याद नहीं है। तो मेरे पास है, मेरे पास लिखी हुई, तो मैं उसमें से, मेरे पास जो इनके इनवॉइस है मैं उसमें से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने मैकेडामिया का देख कर मैंने ये शैम्पू ऑर्डर किया था क्योंकि जो मैकेडामिया ऑयल और जो सीरम मैंने यूज़ किया था, जो मैंने ऑनलाइन किसी फेसबुक पेज से मंगवाया था, जो कि एब्रॉड का एक ब्रांड है, मैंने उनका मंगवाया था, तो वो तो बहुत अमेजिंग था। बट व्हेन आई सॉ दिस ऑन दी वेबसाइट तो मैंने सोचा कि मैकेडामिया का शैम्पू तो बहुत ही अमेजिंग होगा और इतने अच्छे प्राइस के अंदर, और अपना पाकिस्तानी ब्रांड है हेमानी है भाई, हर्बल भी है और ऑर्गेनिक भी है और हलाल भी है, तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मैंने ये शैम्पू ऑर्डर कर लिया और ये शैम्पू आने के बाद इसको जब मैंने फ्रेगनेंस, इसकी बॉटल बहुत अच्छी है, इसकी पैकेजिंग आप लोग देख लें, इसकी बहुत अच्छी है। और जब मैंने इसकी, अब हम लोग क्वालिटी की बात करते हैं, तो जब मैंने इसको स्मेल किया तो उसमें कहीं भी दूर दूर तक मैकेडामिया की कोई खुशबू नहीं थी। खुशबू जो थी इसकी फ्रेगनेंस बिल्कुल कोकोनट शैम्पू जैसी थी, जो कि आम कोकोनट शैम्पू होते हैं उनके जैसी इसकी स्मेल थी। क्योंकि मेरे हेयर्स जो हैं वो कलर ट्रीटेड हेयर्स हैं, तो ये शैम्पू जो है आपके बालों को सॉफ्ट ज़रूर करता है बट नरिश उस हिसाब से नहीं करता जिस हिसाब से इसके ऊपर मैकेडामिया का लिखा हुआ है। ये ड्राई कर देता है बहुत ज़्यादा, हाँ, बट ये ऑयल नहीं निकालता, जो मेरे जैसे ऑयल फ्रीकिंग लोग जो हैं, जो हेयर ऑयल को बहुत ज़्यादा प्रतिनिधिमान मानते हैं, तो उनके लिए शैम्पू तो 2 से 3 बार आप करेंगे तो तब जाके आपके बालों में से ऑयल निकालता है, वरना ये ऑयल नहीं निकालता। बगैर कंडीशनर और सीरम के ये आपके बालों को एक ब्लास्टेड लुक देता है, कलर ट्रीटेड हेयर की बात कर रही हूँ मैं, एक ब्लास्ट लुक देता है जिससे कि बम फट जाता है बालों में, फ्रीज हो जाता है इस तरह से। ये बिल्कुल भी, सिर्फ सॉफ्टनेस एक अलग होता है, हमें बालों में सॉफ्टनेस के साथ साथ नरिशमेंट भी चाहिए होती है और हर एक शाइन भी चाहिए होती है, वो दो चीज़ें ये नहीं देता। तो मेरी तरफ से तो ये नो है, अ बिग नो। देन जो उनका एक और मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था वो था मैकेडामिया का हेयर ऑयल, हेयर ऑयल। मैंने यही सोचकर ऑर्डर किया था कि एक तो ये 100 ml बॉटल है, साथ में इस पर लिखा हुआ है सॉफ्ट एंड स्मूथ हेयर। अच्छा, तो ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है मैकेडामिया हेयर ऑयल डेलिकेट ब्यूटी। इसकी पैकेजिंग, और क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इसलिए मुझे कुछ आइडिया नहीं था, उसकी पैकेजिंग भी अच्छी है, पैकेजिंग की बात करें तो अच्छी है। कांच की बॉटल है, ये इसका कैप है आप हटाते हैं, और ये जो है ये ऑयल का पंप है। बट इसकी फ्रेगनेंस, बट अगर हम इसकी फ्रेगनेंस की बात करते हैं
तो इसकी फ्रेगनेंस इतनी हाईली परफ्यूम वाली है, इतना हाई परफ्यूम इसके अंदर है कि जो कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाई और अरेबिक काइंड ऑफ परफ्यूम या फ्रेगनेंस लगाती हैं, उनका दिमाग पकड़ा जाता है, तो ये वैसा ही है। ये लगाने के बाद आपके सर में उल्टा दर्द शुरू हो जाता है, और ये फ्रेगनेंस इसकी इतनी एक्सट्रीम लेवल की है, और ये आपके बालों को कोई नरिश नहीं करता, कोई शाइनिंग नहीं देता, कोई ये कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ इसके अंदर खुशबू है, बस दैट्स ऑल। ये एक नॉर्मल हेयर ऑयल है, किस चीज़ का बना हुआ ये मुझे नहीं पता। इधर पीछे इसकी एक्सपायरी डेट भी दी हुई है, अल्ट्रा मॉइस्चराइजर, इंटेंसली इंटेंसली नरिशिंग फॉर टेंगल फ्री एंड फ्रीजी फ्री हेयर। कुछ भी नहीं करता इसको लगाने के बाद, तो जब बंदा शैम्पू करता है, बाल जो हैं आपके अगर वो कलर ट्रीटेड और डैमेज हैं तो और ज़्यादा वो टेंगल्ड हो जाते हैं। आपको सीरम यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, सीरम यूज़ करना पड़ेगा। इस ब्रांड के हेयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेरी तरफ से तो अब बिग नो, क्योंकि इनकी जो नाम जिस चीज़ से बेच रहे हैं मैकेडेमिया करके, उनके दो प्रोडक्ट, जो थर्ड वन भी मैं यूज़ शेयर करने जा रही हूँ, वो यूज़ करके ही अब जो उनके नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हुई है, तो उसको यूज़ करने के लिए मुझे बार 5 बार सोचना पड़ेगा कि उधर पैसे या तो इन्वेस्ट करके वेस्ट कर दूं, या फिर किसी और दूसरे प्रोडक्ट को मैं चांस दूं। तो मेरे लिए सेकंड ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। तो हेमानी का जो थर्ड प्रोडक्ट मैंने जो ऑर्डर किया था वो था ये आर्गन हेयर सीरम, हेमानी लाइव नेचुरल आर्गन हेयर सीरम। 100 ml इसकी बॉटल है, और ये भी कांच की बॉटल है, ये इसका कैप है, ये ऊपर इसका पंप है, और ये भी रीयूजेबल इसकी पैकेजिंग है। और तो जब हम इसकी बात करते हैं क्वालिटी की, तो ये सीरम इसकी फ्रेगनेंस तो अच्छी ज़रूर है, बट ये आप देख रहे हैं जैसे शहद निकल रहा है, इतना गाढ़ा इसका जो टेक्सचर है गाइस, वो इतना गाढ़ा है, इतना इतना थिक इसकी कंसिस्टेंसी है कि ये आपके बालों में इजीली ब्लेंड नहीं होता। ये देखें, मैं आपको बताती हूँ, ये देख रहे हैं, ये देखें, इतना तो ये गाढ़ा और चिपचिपा सा ही है, मतलब इसको वेट हेयर्स में भी ब्लेंड करना मुसीबत बन जाता है, अगर ज़रा सी भी क्वांटिटी इसकी ज़्यादा लग जाए, अगर ज़रा सी भी, तो ये उल्टा आपके बालों को और ज़्यादा ऑयली कर देता है, बहुत ज़्यादा। और ये इसको इसका इसका अगर हम बात करें तो ये 10 out of 5 है इसका रिजल्ट जो है, अगर बालों के लिए हम करते हैं। सीरम जो मुझे पसंद है वो ये है कि जब आप उसको वेट या ड्राई हेयर्स पे लगाते हैं, वो आपके हेयर्स को एकदम टैंगल फ्री कर देता है, एकदम से उसकी शाइनिंग उसमें आ जाती है, जो कि मैं आगे इंशाल्लाह आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी उन सीरम्स का रिव्यू आप लोग के साथ। इसका जो ये सीरम जो है, ये इतना ज़्यादा आपके बालों को वो लुक नहीं देता जो एक सीरम को देना चाहिए, और टैंगल फ्री तो आई डोंट थिंक सो कि आपके जो कर्ली जिनके कलर ट्रीटेड हेयर्स हैं और डैमेज हेयर्स हैं, जो बहुत बुरे तरीके से गुच्छे हो जाते हैं बाल शैम्पू के बाद, तो ये इतनी जल्दी नहीं खोलता। बल्कि इसके अगर अमाउंट थोड़ी सी भी ज़्यादा अगर आप ले लें, अगर मतलब कि 1 या 2 ड्रॉप से ज़्यादा, तो ये आपके बालों को एकदम से ना एकदम से बहुत ऑयली लुक देता है, चिपचिपा लुक देता है, इतना इसका मज़ेदार। मुझे इनकी ये हेयर प्रोडक्ट की रेंज जो है, मैकेडामिया और आर्गन जो सबसे फेमस है बालों के नरिशमेंट, शाइनिंग, उन सब चीज़ों के लिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो सॉरी टू से, अगर वसीम मदानी जी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको ऐसा बुरा लगे, तो प्लीज़ कुछ चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया। बाकी आई डोंट नो, जो मैंने सोची, ये पूरी फुल बॉटल्स यूज़ करने के बाद इनका जो रिज़ल्ट मिला है, मैं वो ही शेयर कर रही हूँ। तो गाइस, इनके हेयर प्रोडक्ट्स जो है, हेयर प्रोडक्ट लाइन जो है, ये तीन चीज़ें जो है मेरी तरफ से अब बिग नो फॉर देम। जो इनके दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी उनको यूज़ करने की, उनको ऑर्डर करने की, क्योंकि मेरे लिए ये हेयर के जो 2-3 आइटम ही मैंने मंगवाए, मेरे लिए वेस्ट ऑफ मनी थे ये। बट उसके साथ जो मैंने उनकी दूसरी चीज़ें मंगाई है, मैं आपके साथ अब उसका मैं रिव्यू शेयर करती हूँ। वेट, हाँ, तो हिमानी के पास, हिमानी ब्रांड में जो अच्छा, जो उनका मुझे जो बहुत पसंद आया है वो है ये ऑयल्स, ये स्किन और हेयर फेस ऑयल है, मतलब आप इसको किसी भी यूज़ में आप ले सकती हैं। इसके साथ क्या कहते हैं, ये 30 ml ये बॉटल है, और उसकी जो प्राइस है ऑलमोस्ट आई गेस 250-300 समथिंग कुछ है, और बहुत अच्छी रिजनेबल इसकी प्राइस है। बट ये रोज़ ऑयल मैंने मंगवाया, इसका पिंक सा कलर है, बहुत खूबसूरत पिंक कलर है इसका। मैं आपको इसकी बॉटल दिखाती हूँ, इसको अगर आप तरीके से यूज़ करें तो बहुत चलेगा ये।
ये इसकी ये बॉटल है, ये रोज़ ऑयल की, और इसका रोज़ ऑयल मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट बोतल में था, वरना मैं आपको दिखाती। बहुत खूबसूरत पिंक सा इसका कलर होता है इसका, इसके अंदर इसकी फ्रेगनेंस जो, इसकी अगर इसकी फ्रेगनेंस की बात करते हैं तो फ्रेगनेंस जो है काइंड ऑफ बेनिफिट्स भी है नीचे है उसके, और आपको उसको कैसे रोज इसको की यूज़ यूज करना करना है थोड़ी और बहुत उसके मीठी बारे में मीठी थोड़ी जैसे टेस्टी डिस्क्रिप्शन गोल्ड दे खा दी लिया है। होती है जिन्हें अब जो खाई उसको दूसरा समझ नंबर गए प्रोडक्ट होंगे, जो मैंने ऑर्डर किया उन था दो वो चीज़ों है का मतलब हेमानी का मिक्सर ही है तो उसकी ये आइडियल फ्रेंड बनती ऑयल, है। उसकी बट पैकेजिंग भी ऑल जो दो उसका उसका पैकेज रिजल्ट चेंज अच्छा जो है, होती है फेस वो पे ऐसे मैं ही इसको होती है, अपने यूज़ करती कार्डबोर्ड भी में आया हूँ, था ये और अपने जो फेशियल डब्बा, ऑयल पता मैंने नहीं आई कहाँ गेस घूम मैंने गया ये जी, मैंने मैंने मेंशन किया किया था था उसमें उसमें भी। भी, तो ये भी मैंने सेम इसको यूज़ थर्टी किया ये है, है फेशियल सिक्सटी ऑयल के एम लिए एल बहुत बॉटल अच्छा है है। ये, इनके मैं आपको ये दोनों की रेंज क्वालिटी दिखा लिस्ट देती हूँ, दिखा थर्टी देती एम हूँ एल की ऑयल की बहुत बोतल अच्छी अच्छी है। है, दीज आर ये थर्टी टेन एम एल एम एल की की बॉटल है बॉटल और है, सिक्सटी सिक्सटी एम एम एल एल की की बॉटल प्राइस है, भी अच्छे हैं, क्वांटिटी भी अच्छी है, क्वाइट रिजल्ट भी अच्छी अच्छा है है। बॉटल, इनकी साइज फ्रेगनेंस जो का है अगर बहुत आप अच्छी है, जाएं प्राइस तो भी, बहुत अच्छी है, वो इसके डिपेंड डिपेंड करता करता है है तो ये बाकी एलमिंड ऑयल इनका भी मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं क्वालिटी यूज़ क्वालिटी करती में हूँ अपने अपने स्किन स्किन के के लिए, लिए, और और ये ये एज एज आप आप अपने अपने फाउंडेशन फाउंडेशन के के साथ साथ या या उसके उसके पहले पहले भी भी इसको इसको यूज़ यूज़ कर कर सकते सकते हैं, हैं, और और ग्लो ग्लो रॉयल का क्या आप एज अ इसको इल्यूमिनेटिंग किस किस उसके तरह लिए से एलमिंड यूज़ ऑयल कर बहुत सकते अच्छे हैं, होते तो हैं आपके आपके डार्क डार्क सर्कल्स सर्कल्स इससे इससे बहुत बहुत अच्छे अच्छे हाइड हाइड होते होते हैं। हैं। इनकी इनकी अरबी अरबी में में भी भी लिखा लिखा हुआ हुआ है है कि कि जो जो ये ये ऑयल ऑयल रेंज रेंज जो जो है है ये ये बहुत बहुत अच्छी अच्छी है, है, ये ये मेरी मेरी तरफ तरफ से से हाईली हाईली रिकमेंडेड रिकमेंडेड है, है, इनके इनके रिजल्ट्स रिजल्ट्स भी भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे हैं। हैं। तो तो गाइस गाइस आई आई होप होप तो तो आप आप लोग लोग के के लिए लिए ये ये रिव्यू रिव्यू बहुत बहुत ही ही फायदेमंद फायदेमंद रहा रहा होगा, होगा, जो जो मैं मैं सोचती सोचती हूँ, हूँ, जो जो मैंने मैंने फील फील किया किया है है ये ये हॉनेस्ट हॉनेस्ट रिव्यू रिव्यू मैं मैं आपके आपके साथ साथ शेयर शेयर कर कर रही रही हूँ। हूँ। ये कोई पेड रिव्यू, पेड एडवर्टाइजमेंट तो है नहीं, क्यों, और क्योंकि मैंने अपने पैसों से ख़रीदा हुआ है, जो चीज़ें मेरे को अच्छी लगी हैं वो मैंने आपको बताई हैं, जो अच्छी नहीं लगी मैंने आपको वो भी बताई हैं। तो आगे इट्स ऑल अप टू यू, बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको हिट द लाइक बटन, एंड सब अपना ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।